यार ब्रो, ये दिल्ली एनसीआर में जो 10-15 साल वाला नया रूल आया है वो है क्या? देख, नॉर्मली हर गाड़ी की आरसी 15 साल तक वैलिड होती है, पर नए रूल के हिसाब से जो भी डीजल गाड़ी दिल्ली में रजिस्टर्ड है वो 10 साल के बाद स्क्रैप है, इरेस्पेक्टिव ऑफ कि उसकी आरसी कब तक वैलिड है। सिमिलरली जो भी पेट्रोल गाड़ी दिल्ली में रजिस्टर्ड है वो 15 साल के बाद स्क्रैप है, यानी कि आप उसे फर्दर एक्सटेंड नहीं करवा सकते। ओके। प्लस किसी भी और स्टेट की गाड़ी जो कि 10 या 15 साल से ज्यादा पुरानी है वो भी दिल्ली की सड़कों पर नहीं चल सकती। फॉर एग्जाम्पल, आप हिमाचल के हैं और आपके पास एक डीजल गाड़ी है जो कि 12 साल पुरानी है। अब हालांकि वो गाड़ी हिमाचल में वैलिड है, पर उस गाड़ी के साथ आप दिल्ली में नहीं आ सकते। अब अगर आप ये गाड़ियां स्क्रैप नहीं करवाना चाहते तो दिल्ली मोटर लाइसेंसिंग ऑफिशियल से NOC इशू करवा कर आप इन फॉलोइंग स्टेट्स में इन्हें बेच सकते हैं। नोट, ये गाड़ियां बिना री रजिस्ट्रेशन के इन स्टेट्स में नहीं चल सकती। साइक ड्यूड, पर तुझे ये सब कैसे पता? क्योंकि आई फॉलो माई ब्रांड ब्रो। मेरी गाड़ी मेरी सवारी, तू भी कर ले।